मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने पहले खुद सिंधिया को धोखा दिया, कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है इसलिए वे अपना दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। विरोध को प्रायोजित करने वाली कांग्रेस को हम बताएंगे क्या होता है विरोध और समर्थन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले मुद्दे को लेकर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन सबको पता है कि क्लास में पहले स्थान पर तो हेडमास्टर का बेटा ही आएगा। नरोत्तम ने एक कटाक्ष गांधी परिवार को लेकर किया। कांग्रेस सरकार में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सिगात सबकी जानी। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य को धोखा दिया इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। ऐसे लगा जैसे सुंदर मौड़ा दिखाकर बुजुर्ग से शादी करा दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि सबको पता है वहां अध्यक्ष कौन बनेगा। तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि क्लास में चाहे जितने अच्छे बच्चे हों पर नंबर वन पर तो मास्टर जी का ही बेटा आएगा। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रेहान वाड्रा है। नरोत्तम ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रायोजित विरोध करवाती है, इस बार कांग्रेस बिखरी नहीं टूटी हुई है। 2 महीने और रुक जाइए, हम बताएंगे विरोध क्या होता है और समर्थन क्या होता है। दतिया में कांग्रेस में खींचतान को लेकर उन्होंने कहा कि यह आज की बात नहीं, वहां कांग्रेस हमेशा नेता आयात करती है जो कि कई पार्टियों से चुनाव लड़कर आए हुए होते हैं। एक चौपाई आई है एक जगह की, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। अब उनने पहले धोखा सिंधिया जी को दे के खुद मुख्यमंत्री बन गए थे इसलिए ऐसा लग रहा है। उन्हें सुंदर मोड़ा दिखा के बुजुर्ग से शादी कर दी गई थी पिछली बार। इस बार ऐसा नहीं है भाई, इस बार तो कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस बिखरी है। अपना दोष किसी और पे मत डालो। कभी सीरत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। अब प्रदेश की जनता सब समझती है, प्रायोजित कार्यक्रम, रिस्पॉन्सर्ड कार्यक्रम आप कितने भी कर लो कमलनाथ जी, अब कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं, बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रमों को आप विरोध मत मानो मित्र, आप प्रतीक्षा करो, हम बताएंगे आपको समर्थन और विरोध दोनों। सर कहते हैं भैया जी नाराज होकर चले जाते हैं। वहाँ तो जब भी कोई बैठक होती है तब ऐसा होता ही है। अभी पिछली ही इसके पहले की जो बैठक थी उसमें तो हाथापाई की स्थिति की विजुअल फुटेज देखे मैंने, पता नहीं हुई कि नहीं हुई। अभी भी आप कह रहे हो इसलिए कोई वहाँ के कांग्रेस के लिए, वहाँ दरअसल में कांग्रेस जो भी है उसमें से अधिकांश आयातित हैं, चार चार बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले निष्ठावान कांग्रेस ही हैं वहाँ, इसलिए ये दतिया की तैयारी है, क्या करेंगे, दुर्भाग्य है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।